नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। यह योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे और देखते रहिए जनता सरकार। सोनीपत जिले के गन्नौर में सीएम मनोहर लाल एशिया की सबसे बड़ी फल फूल और बागवानी मंडी का शिलान्यास उन्होंने रखा है। सीएम मनोहर लाल ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी को कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर भी बताया है। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल फूल एवं बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, गन्नौर की बागवानी मंडी कृषि के क्षेत्र में विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एशिया में इतनी बड़ी मंडी है जो और कहीं नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। अभी तक सब्जी उत्पादक किसान आजादपुर की मंडी पर निर्भर है। आजादपुर की मंडी अभी तक की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन वहां जाते हुए किसान भीड़ में फंस जाते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं। कई बार तो सब्जी फल बेचने की बारी तक नहीं आती। फल सब्जी के लिए खुला स्थान चाहिए और इसके लिए गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी सरकार बनाने जा रही है। सबकी मेहनत लगेगी, सबका संकल्प लगेगा, सबकी मन की भावनाएं लगेगी। ये मंडी बनेगी, ये कोई मिट्टी और ही, ये कोई सीमेंट और सरिया, ये कोई पत्थर, केवल इसका एक भवन बनेगा ऐसा नहीं है। ये हमारे सबकी भावनाओं का, सबकी मेहनत का, उसके ऊपर एक पटवंश खड़ा होगा, ये उसका परिणाम होगा। छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 500 एकड़ इस क्षेत्र के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और एशिया में इतनी बड़ी मंडी कहीं नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। गन्नौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सब्जी उत्पादों के लिए 5000 रुपए प्रति एकड़ मदद की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ मंडी में लगने वाली हर एक ईंट न केवल हरियाणा के बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के किसान भाइयों और व्यापारियों को मजबूत करेगी। सीएम ने कहा कि गन्नौर से सब्जियां बाहर भेजने के लिए गन्नौर रेलवे स्टेशन से जोड़कर या अलग से रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था होगी। सीएम ने कई अन्य जिलों के लिए मंजूरी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी है। इस गन्नौर मंडी को आरंभ करने के बाद जिसका लाभ होगा निश्चित रूप से वो किसानों को भी आत्मनिर्भर में आगे बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करेगा, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा। तो इससे हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जैसा बताया, हजारों करोड़ रुपए का जो हर साल यहाँ व्यापार होगा, उससे यहाँ के लोगों को बहुत एक सहायता मिले, उनको रोजगार मिले। इस रोजगार में क्योंकि मंडी बना तो हमारा बोर्ड रहा है, सरकार की सहायता से बना रहा है, लेकिन व्यापार करने का काम तो आपके प्राइवेट एजेंसी ही करेंगे। दुकानें भी प्राइवेट लोगों की होगी, बेचना किसान में है, खरीदना व्यापारी में है। तो वहां जो लोग आएंगे, रोजगार देंगे, वो प्राइवेट लोगों के माध्यम से सारा व्यापार करने वाला है। सीएम ने मंच से सूरजमुखी का कारखाना लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना बनाकर शाहबाद में 4 एकड़ जमीन पर तेल निकालने का कारखाना भी बनाया जाएगा।
20,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी के बीज की हैफेड खरीद करेगा। इससे तेल और घी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूरजमुखी का एमएसपी मूल्य 6,400 रुपए है और सूरजमुखी 4,200 रुपए बिक रही थी। भावांतर योजना के तहत भाव बढ़ाए जाएंगे और किसान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। किसानों के आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, हम देखते हैं। अभी कल भी किसानों के लिए जो इस अगले नए वर्ष के लिए जो एमएसपी बढ़ाया है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि हर वर्ष खरीफ का अलग से, रबी का अलग से इन फसलों का जो दाम घोषित करते हैं उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो मंडी है इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो जाने वाला है और आने वाले 2 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में जो पहले जमीन है या बाकी सब खर्चे हो चुके हैं, अभी इसके बाद की 3,000 करोड़ रुपए और लगेगा, जिससे ये मंडी का काम जो है पूरा हो जाएगा। जैसे पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया है, हमारे एसीएस साहब ने बताया कि इसमें कितना साइज बनेगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, वाशिंग ग्रेडिंग इसकी सुविधा होगी, पैक हाउस, दुकान का ऑफिस, यानी नीचे दुकान ऊपर ऑफिस भी लोग बना सकते हैं, उसका मल्टीप्लेक्स हॉल बनेगा, स्टार होटल होंगे, कन्वेंशन सेंटर, बिग हॉस्टल, हाइपर मार्केट, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल जोन, पेट्रोल पंप, सब स्टेशन, सीएनजी, पीएनजी, कितने ही काम इसमें लिखे हुए हैं जो पीपीपी कोड में बनाए गए। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अभी यहां 3,000 एकड़ में सब्जी बिजाई होती है, किसान ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में सब्जी की बिजाई करें, पानी आदि की जो भी समस्या है उसका समाधान सरकार करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 3,000 एकड़ से ज्यादा में सब्जी बिजाई करने वाले जो भी किसान होंगे, सरकार उनको 2024 से प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की ये मदद 3 साल तक दी जाएगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि यहाँ आधी से ज्यादा जमीन पर सब्जी की बिजाई करें। सरकार का खर्चा अलग है, लेकिन जो बाकी लोग करेंगे ये कई हजार करोड़ रुपए का खर्च यहाँ करके करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा, हम में से किसी ने भी मेरे समेत जितनी मंडी की, बड़ी मंडी की कल्पना की गई है, हमने अभी तक जीवन में देखी नहीं है। जो मंडी बनेगी न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसका शिलान्यास करते हुए आज मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। भाई बहनों, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट दिल्ली के बहुत नजदीक है, अब दिल्ली के नजदीक होने के कारण से हमें 4 करोड़ लोगों की एक मंडी, यानी खरीद का जो लोगों का जो एक स्थान है वो दिल्ली है, चाहे गाजियाबाद है, चाहे नोएडा है, हमारा गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हम सोनीपत के लोगों को भी, नागरिक को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसको ताजी सब्जी, ताजा फल कम दाम पर ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। सीएम ने कहा कि मंडी बनने के बाद हरियाणा की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, प्रदेश के युवाओं के, किसानों के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी में विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए उनको बड़ा खुशी का आभास भी हो रहा है। तो बताऊंगा कि मंडी यहाँ बन रही है तो इस वर्ष का तो नहीं कहता, अगले वर्ष गन्नौर ब्लॉक को भी उसी कॉम्पिटिशन में आना चाहिए कि कम से कम हमारी जितनी जमीन है आधी से ज्यादा जमीन पर सब्जी की बुआई करेंगे, इस सुराग को बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ पानी की भी मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी, जमुना किनारे पर है, अगर कोई पानी की समस्या होगी तो उसको हम हल करेंगे, कोई भी पानी आपको नहीं आने देंगे। यहाँ माइक्रो इरिगेशन, अगर पानी बहुत गहरा है तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाइए, और पानी बहुत ऊपर है तो ट्रिप सिंचाई से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों की बुआई करिए। और मैं आप घोषणा करता हूँ कि जितना ब्लॉक 3,000 एकड़ के बाद जितना आगे बढ़ेंगे, इस बार का तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कौन कौन सब्जी बो रहा है। इसके बाद अगले वर्ष से 1 अप्रैल 2024 से यहाँ के किसानों को और आगे बढ़ेंगे तो 5,000 रुपया प्रति एकड़ सब्सिडी के लिए हम जो है 3 वर्ष के लिए लगातार।
अंतर्राष्ट्रीय मंडी में कई तरह की सुविधाएं किसानों और व्यापारियों को दी जाएंगी। इनमें मंडी में होगी 1200 दुकानें, एयर कंडीशनिंग के साथ होंगे 3 शेड, सामग्री प्रबंधन निपटान, साफ सफाई, ई नीलामी के लिए मॉडर्न सुविधाएं होंगी। 8120 वर्ग मीटर क्षेत्र में किसान विश्राम गृह होगा। 4,55,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज राइपनिंग चैम्बर होंगे। 26.815 वर्ग मीटर क्षेत्र में धुलाई वेंडिंग टाइजन और पैक हाउस की सुविधा होगी। 20,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट, दुकानें, कार्यालय, मार्केट और वेयरहाउस की सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। पूरा स्थल लोगों से खचाखच भरा नजर आया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में शिलान्यास के साथ सीएम मनोहर लाल ने कई जिलों के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। इसमें भिवानी के बहल में बनने वाली वेजिटेबल मार्केट, भिवानी के लोहारू में न्यू अनाज मंडी, करनाल में द लोकअपमेंट ऑफ मुनक परचेज सेंटर और सब यार्ड, सिरसा में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लाखर मंडी के डेवलपमेंट कार्य, परचेज सेंटर गाँव कनवरपुरा सिरसा, शेरपुरा सिरसा में परचेज सेंटर शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुरुक्षेत्र में 20,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले तेल कारखाने का निर्माण यह करवाया जाएगा और गन्नौर के किसानों को 5,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने हैं, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं किसान भाइयों के हित में एक और घोषणा करता हूँ, आगे ट्वीट उन्होंने किया है। सूरजमुखी किसानों के लिए कुरुक्षेत्र में 20,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले तेल कारखानों का निर्माण यह करवाया जाएगा और गन्नौर के सब्जी उत्पादकों को 3 वर्षों के लिए सब्जी उत्पादन पर 5,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी सरकार की ओर से यह दी जाएगी। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल फूल और बागवानी अंतर्राष्ट्रीय मंडी के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजमुखी बीज खरीद को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सूरजमुखी पर पंजाब से ज्यादा भाव मिल रहा है। प्रदेश सरकार मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। सरकार का हर एक कदम किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में सूरजमुखी पर 5,800 रुपये प्रति क्विंटल भाव यह मिल रहा है, जबकि पंजाब की मंडियों में सूरजमुखी की खरीद 3,800 रुपये से 4,200 रुपए के बीच है। पंजाब सरकार के किसान हितेशी होने के दावे खोखले साबित हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने सही मायने में किसान हितेशी होने का परिचय दिया है। और सीएम मनोहर लाल ने यह भी बताया कि हैफेड की ओर से कमर्शियल रेट पर सूरजमुखी की खरीद 4,850 रुपए प्रति क्विंटल तक ये की गई है और कमर्शियल रेट के साथ हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल अलग से दिए जा रहे हैं। पशुपालन की बहुत योजना है, ये हमने लागू की है। पशुपालन भी क्योंकि किसान का जो है एक ऐसा हिस्सा होता है कि उसकी आमदन दूध ज्यादा होने से वो भी बन सकती है। हमने भावांतर भरपाई योजना शुरू की, ये भी सब्जियों और फलों के लिए पहले हम देते थे। अब इसमें ऐसी शंका होती है कि हम अगर भाव पर खरीदते हैं तो आसपास के प्रदेश, इधर राजस्थान, उधर पंजाब, वो भी अपनी फसलें खुद नहीं खरीदते बल्कि हमारे यहाँ ला करके बेचना शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सूर्यमुखी का जो है आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। सूर्यमुखी हमारे यहाँ 4,200 पर टन पर क्विंटल ये बिक रही थी, जबकि MSP 6,400 है। हमने अपने किसान को लाभ देने के लिए घोषणा की कि 1,000 का भावांतर भरपाई अभी तय किया है, आगे बढ़ाने की गुंजाइश भी हमने रखी है। साथ में मार्केट में भी हमारा जो हैफेड PSU है, जो पब्लिक अंडर टेकिंग हैफेड नाम से खरीद करता है, उनको भी कहा वो भी अब खरीदते हुए 4,800 रुपए पर खरीद रहे हैं। हो सकता है कल को रेट और बढ़ाने के लिए जो आगे बढ़ जाए, जबकि पंजाब में आज भी इस समय भी वहां जो बिक्री हो रही है 4,100-4,200 रुपया प्रति क्विंटल आज भी पंजाब में बिक रहा है। मेरे पास 9 और 10 तारीख की उनके जेजे फॉर्म की कॉपियां आई है मेरे पास। हम कहा 5,800 तो गारंटी हो ही गई, 5,800 के बाद 5,900, 6,000, 6,100, 200, 300, 400 कहीं तक भी जा सकते हैं, जब मार्केट भाव बढ़ेगा, नहीं तो हम जो है भावांतर भरपाई में पैसा बढ़ाएंगे लेकिन अपने किसान का पूरा ध्यान रखेंगे। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ऑडियो संवाद के जरिए इस बार
पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है और बताया कि हरियाणा ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य है। हरियाणा प्रदेश साल 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर देश में पहले स्थान पर रहा है और अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। शनिवार का दिन यानी हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों संग सीएम के संवाद का दिन। इस शनिवार सीएम मनोहर लाल ने अपने खास कार्यक्रम के जरिए पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और लाभार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने और उनसे सुझाव भी लिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। तो आपका कितना कितना बड़ा सोलर पंप है? अच्छा, आपको अनुभव कैसा है, कोई बताने की बात हो बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई सर आपने जमींदारों के लिए, बहुत बेटर है। जमींदार राजी है कि नहीं? जज्जर जज्जर के जमींदार राजी है कि नहीं? जज्जर के जमींदार खुश है, आपकी गवर्नमेंट से बहुत खुश है, लेकिन बात को। किसान बन के समझाओ लोगों को। हम नहीं समझाते ये बात, लेकिन उनके दिमाग में तो वो अब ये स्कीम की बधाई करते हैं, उनके दिमाग में भी यही फील होता है एकदम बस। चलो आप अपनी कोशिश करते रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा सर। लाभार्थियों संग संवाद स्थापित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऑफ ग्रिड सोलर पंप की स्थापना में हरियाणा देश में अग्रणी राज्य रहा है। साल 2020-21 में 15,000 सोलर पंप स्थापित कर हरियाणा देश में पहले स्थान पर रहा। अब तक 53,000 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं और ये संख्या पीएम कुसुम योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप से भी ज्यादा है। मित्रों, इसी कड़ी में ऑफ ग्रिड सोलर पंप जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके आप सब सहभागी हैं, इस कार्यक्रम को हरियाणा में हमने 2020-21 में शुरू किया था। उस समय 15,000 सोलर पंप ये हमारे यहाँ लगाए गए थे और उस समय भी हमने इस अभियान की शुरुआत करके देश में पहला स्थान प्राप्त किया था और आज 2 वर्ष के अंदर अंदर हम पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत ये संख्या बढ़ाकर 53,000 सोलर पंप तक ले गए हैं, जबकि हमारा जो लक्ष्य तय किया गया था वो 50,000 सोलर पंप का रखा था, इसको बढ़ा करके हमने 53,000 किया है। और इसमें भी मैं बधाई देना चाहूँगा सिरसा और हिसार जिले के हमारे किसान भाइयों को, जिन दोनों जिलों में 26,000 से भी ऊपर ऐसे पंप लगे हैं, अर्थात 2 जिले आधे के क्षेत्र में और बाकी सारा हरियाणा आधा क्षेत्र। तो इसलिए विशेष तौर पर इन किसानों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। हमने आगे भी अगले वित्त वर्ष में अर्थात ये जो 2023 और 24 का लक्ष्य है, ये 70,000 सौर पंप का रखा है। इस 70,000 सौर पंप के लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच बनाने की अपील करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में मौजूद है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इस समय भारत विश्व में सौर ऊर्जा से उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में उन्होंने एक सांझा मंच के ऊपर प्रस्ताव किया था, अपील की थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बनाया जाए और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन करके सौभाग्य से उसका जो केंद्र है हरियाणा में ही गुरुग्राम में बनाया गया और उसी में से ये बात सामने आई कि हमको आगे चल करके ग्रीन ऊर्जा अभियान ये चलाना होगा। और ग्रीन ऊर्जा अभियान चलाते समय हम जो परंपरागत हमारा जो ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वो पेट्रोलियम है अथवा कोयला है, उसकी बजाय ग्रीन ऊर्जा में पन बिजली, सौर बिजली और इसी प्रकार से पवन ऊर्जा, इसी प्रकार से इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमने कदम उठाए हैं। ये सब करने से न केवल हमको लागत कम आएगी बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा ये भी होगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अभी सोलर पंप सिस्टम पर 5 साल की गारंटी मिलती है, साथ ही प्रदेश में स्थापित 53,000 सोलर पंप से हर साल 29,50,00,000 यूनिट बिजली की बचत हो रही है। इससे प्रदेश को 195 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रदेश में 3 HP से
10 एचपी क्षमता के सौर पंपों को लगाने के लिए 75% सब्सिडी दी जाती है। अभी तक 960 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने आवेदन किए हुए हैं, ऐसे 11,000 और सोलर पंप लगाए जाने हैं। सौर पंप लगाते समय 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर के क्षमता के जो सौर पंप है उनकी स्थापना के लिए हम 75% सब्सिडी ये देते हैं। इस सब्सिडी से हमको आर्थिक लाभ तो होता ही है, साथ ही सरकार की भी बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि बिजली के कारण से जो हम पंप लगाते हैं उसके कारण से महंगी बिजली, इसकी बचत होती है। अभी तक जो 53,000 पंप हमने लगाए हैं इसके कारण से हमारे यहाँ 29,50,00,000 यूनिट ये हर वर्ष इसकी बचत होती है, जो लगभग 195 करोड़ रुपया बनती है। हमने भले ही सब्सिडी के रूप में किसानों को अभी तक 960 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन अगर इसी गति से बिजली की बचत होती है तो आने वाले 5 सालों में कहें लगभग ये पैसा हमारा पूरा होता है। उसके बाद ये सोलर पंप एक प्रकार से हमारे लिए एक जिसको कहना चाहिए मुफ्त का एसेट ये रहता है। तो इसमें किसान की भी बचत है, इसमें सरकार की भी बचत है, और एक दीर्घकालीन अगर हम विचार करें तो आने वाले समय में प्रदूषण कम होता है, कोयला और तेल बचता है, हमारी बिजली बचती है। तो इसका कारण से एक पंथ कई काज हम लाभ इसका उठा रहे हैं। सीएम ने लाभार्थियों से अनुरोध किया कि वो अन्य किसान भाइयों को भी इस योजना के बारे में बताएं और उन्हें सौर पंप लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा घरों की छत पर सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के तहत सौर ऊर्जा सिस्टम लगवाने पर 20% से 40% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। मित्रों, जिन बंधुओं को, जिन किसान भाइयों को इस योजना में और सौर पंप लगवाने हैं, आप लोग उनको भी बताएं कि वो ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करें, आवेदन करें, और हमारी जो नीति इस समय बनी है हरियाणा सौर ऊर्जा नीति, उसके अनुसार हम उन सबको जो भी अप्लाई करेंगे उन सबको बहुत शीघ्र और ये जो पंप है ये देने का काम करेंगे। हम इसके अंदर एक और प्रयोग भी अपने आप करते हैं कि घरों पर, बिल्डिंग्स पर सौर ऊर्जा का हम जो सेट लगाते हैं उसमें घर की जो बिजली है उसके लिए भी उपयोग करते हैं। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं खास करके, उन पर सब पर हमने अनिवार्य किया है कि ये सौर ऊर्जा के जो सेट हैं वो छतों पर लगाए जाए। अगर कोई प्राइवेट भी अपने घर पर लगाता है उसे भी हम 20% से लेकर के 40% तक और हम उनको सब्सिडी ये देते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपने घरों पर सोलर का सिस्टम ये जरूर लगवाएं, इसका हमको लाभ होगा। सीएम ने किसानों से आग्रह किया कि वो सौर ऊर्जा के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी काम करें। कम से कम पानी में अधिकतम खेती करना वक्त की मांग है, इसलिए अधिक पानी से उगने वाली धान जैसी फसल के स्थान पर कम पानी से उगने वाली फसल को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई है, जिसमें आपको प्रति एकड़ 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एक अपील की थी मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके अंतर्गत धान छोड़ करके यदि हम दूसरी फसलों पर आएंगे तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की ओर से सब्सिडी देने का हमने कार्यक्रम चलाया था। मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख एकड़ पर किसानों ने धान के बजाय दूसरी फसलें बोई हैं, जिसका निश्चित रूप से पानी बचाने में बहुत बड़ा योगदान ये सब हुआ है। मित्रों, धान भी अगर बोने हैं तो खुली सिंचाई के बजाय सीधी, यानी सीधा ही बिजाई करना, जिसको DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ये एक नाम दिया हुआ है, इसके आधार पर हम करेंगे, उससे भी पानी की बचत होगी और इसमें भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ ये सब्सिडी दी जाती है। तो हम धान न बोए हैं, अच्छी बात, बोए तो डायरेक्ट सीडिंग अर्थात सीधी बिजाई धान की, ये अगर करें इसमें भी पानी की बचत होती है। अपने ऑडियो संवाद के जरिए सीएम मनोहर लाल ने सौर ऊर्जा के साथ साथ जल संरक्षण करने की भी अपील किसानों और आम जनता से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे भी बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।